गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नो इवन ईगल रिएक्शन। इस रिएक्शन में सबसे पहले हमें देखकर रिएक्शन को पहचानना होगा कि हम उसे कैसे पहचानेंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में हमें क्या देखना है कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन होना चाहिए। वो चीज़ यहाँ लिखी है, एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन होना चाहिए सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है इस पर डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल आप देखिए कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, और इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। ये रिएक्शन जो होती है वो बेस की प्रेजेंस में होनी चाहिए। बेस जनरली हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, NH3 के डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास NH3 का डेरिवेटिव ये है हमारा NH3, इसका इसमें से एक H हटाकर NH2 करके R लगा दो, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। वही लिखा हुआ है RNH2। एक H और हटाओ R2NH, एक H और हटा दो इसमें से NR3। ये होते हैं NH3 के डेरिवेटिव। हम इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर पिरिडीन या फिर पिपिरिडीन या फिर आप कहना चाहें पाइपिरिडीन। और नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक हो गया हमारा, एल्डिहाइड होना चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए, बेस के प्रेजेंस में होना चाहिए। बेस हमारा NH3 का डेरिवेटिव हो सकता है या फिर पिरिडीन या फिर पाइपिरिडीन, और प्रोडक्ट हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। अब देखते हैं कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिखे हुए हैं। देखिए जो हमारा CH3 होता है इसे हम कहते हैं मिथाइल, लेकिन अगर इसे हम CH2 कर देते हैं ये होता है मिथिलीन। वही चीज़ है यहाँ पर, ये CH2 ये है मिथिलीन ग्रुप। अब इसके इधर लगा हुआ है C(OOET), ये है एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इस कार्बन से दो लगा हुआ है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। ये भी अपनी तरफ उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये वाला भी खींच रहा है। और इस कार्बन से जब दो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर खींचेगा, और ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हाइड्रोजन जो है, ये कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि H जो है वो यहाँ से बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है और यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यही है हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक, इसका नाम है डाई एथाइल मैलोनेट। आप पूरा नाम लिख लेंगे, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, डाई एथाइल मैलोनेट। और इसका नाम है, चलिए लिख देते हैं पूरा, डाई एथाइल मैलोनेट। और इसका नाम है एथाइल एसीटो एसीटेट। और इसका नाम है एथाइल साइनो एसीटेट। आप लिख लेंगे इसको, इसके नीचे लिख लेंगे एथाइल साइनो एसीटो एसीटेट। तो ये हैं हमारे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यही सब है, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम रिएक्शन, उसके बाद देखेंगे हम मैकेनिज्म। तो रिएक्शन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड। तो यह रहा हमारे पास एल्डिहाइड, और यह रहा हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप, और यह रहा बेस, फिर उसके बाद ये रहा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे बना हमारे पास वो प्रोडक्ट। सबसे पहले हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को लिखेंगे, CH C डबल बॉन्ड O O E T, इधर भी वही C डबल बॉन्ड O O E T, और एक H हम इस तरह से दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम कराएंगे इसको NR3 से, यानी बेस से। इसके पास है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर से इस H को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड कुछ इस साइड से मूव होगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा CH-, दो इलेक्ट्रॉन के साथ ये हो जाएगा माइनस, और इधर है अपने पास C डबल बॉन्ड O O E T, और नीचे भी वही है C डबल बॉन्ड O O E T, और यहाँ माइनस NR3H, और इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से
एच पर बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस। यहाँ से ये अभी निकल रहा है ना, अब ये हो गया हमारे पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, जो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन था वो एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, इस पर है माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा हमारे पास जो एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर है आर डैश, ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये वाला माइनस चार्ज इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड कुछ इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर लें, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। चलिए हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सी से जुड़ेगा ये वाला सी और इस सी से जो जुड़ा है वो तो जुड़ा ही रहेगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं सी एच, इतना पोर्शन पहले लिख लें सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, नीचे भी वही रहेगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी। अब ये जुड़ रहा है, ये वाला जुड़ रहा है इस कार्बन से, इस कार्बन के पास सी एच, ये सी एच और इधर है आर डैश और इसके पास ओ पर आया माइनस चार्ज, ठीक। अब इसको हम कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमारे पास यहाँ से एन आर थ्री ने जो एच को पकड़ के रखा हुआ है, जो यहाँ से एच निकला था इस एच को अभी यहाँ पर है ना, अब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एच प्लस निकल कर आएगा एन एच एन आर थ्री एच प्लस से कराएंगे तो ये एच प्लस यहाँ से निकल कर यहाँ पर आके लगेगा और यहाँ से फिर से ये एन आर थ्री निकल जाएगा, माइनस एन आर थ्री यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से एच प्लस निकल कर आकर यहाँ पर लगेगा, यहाँ से हो जाएगा आर डैश सी एच, यहाँ पर आ गया ओ एच, फिर ये सी एच जुड़ा हुआ है अगले सी एच से, फिर ये जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी से, नीचे भी वही रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, यहाँ तक हो गया हमारा। इस एच को अब हम दिखाते हैं थोड़ा बाहर करके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव करेगा और ये वाला इस साइड, यहाँ से एच प्लस निकलेगा, यहाँ से ओ एच माइनस, यहाँ से माइनस एच टू ओ निकल जाएगा, ठीक। तो इस कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी और इसके पास सी एच है और इसके पास एक आर डैश है। अब इसके पास क्या है, इधर सी डबल सी ओ टू ई टी, इधर भी सी ओ टू ई टी, उसको हम दिखा देते हैं जैसे है वैसे ही, सी ओ ओ ओ ई टी सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, इतना हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, एच टू ओ से कर रहे हैं हम या फिर एच थ्री ओ प्लस से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से एच टू ओ से मैं मान के कर रहा हूँ हमें एच टू ओ से कर रहे हैं, तो एच टू ओ से जब हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से एच प्लस और होगा हमारे पास ओ एच माइनस। अब इसकी मैकेनिज्म एक दो तरह से आप कर सकते हैं, चलिए मैं दोनों दिखा देता हूँ अभी। तो देखिए पहले इस ओ के पास हमारे पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से इस एच को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि एच आकर इस ओ पे लगेगा, ये ओ जो है अपना लोन पेयर से एच पर बांड बनाएगा और इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो अपने लोन पेयर से बांड बनाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर की साइड है सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, नीचे है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ये ओ ये रहा ई टी और इसके साथ जुड़ रहा है एक एच और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज और ओ एच माइनस तो अभी यहाँ पर है ही। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और बढ़ जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और ई टी ओ एच यहाँ से निकल जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से जो ओ एच माइनस अभी एच प्लस आकर अटैक किया था, अभी ओ एच माइनस है ना, तो ओ एच माइनस आकर इससे लग जाएगा, इधर और क्या था सी एच आर एक एच
एक आर डैश, फिर इसके बाद क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर की साइड सी डबल बॉन्ड ओ, ओ इसको भी रहने देते हैं, नीचे की साइड करते हैं पहले सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पर आया माइनस चार्ज, नहीं इस पर आया प्लस चार्ज, जब ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये ओ एच माइनस वाला यहाँ पर अटैक करके ये ओ एच कर लेगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो गया था ना। और जो ये जो हमारे पास रिएक्शन में हुई है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, नीचे की साइड पहले क्या था हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, अब क्या हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जो चीज़ यहाँ पर नीचे हुई है, जो ये रिएक्शन में हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला है इसके साथ भी यही होगा, इसमें भी यही मैकेनिज्म होगी, जब ऊपर वाला सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो गया, ऊपर वाला भी नीचे वाला हो गया, तो ऊपर वाला भी वही हो जाएगा, मैंने नीचे की नीचे समझा दिया है, ऊपर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एक तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसके मैकेनिज्म, ये तो फिर आप दूसरे तरह से क्या देख सकते हैं कि ये ओ एच माइनस जाए इस कार्बोनिल पर अटैक करे, ओ एच माइनस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये ओ ई टी यहाँ से निकल जाएगा, ओ ई टी माइनस निकलेगा और एच से रिएक्ट करके ई टी ओ एच वहाँ से निकल जाएगा और ओ एच यहाँ पर जुड़ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं, मैंने इस तरह से बता दिया, इस पर लिख भी दिया है और उस तरह से आपको बता दिया है, और नीचे वाली मैकेनिज्म दिखा दिए कैसे हो रहा है, जैसे नीचे चेंज हो रहा है सी ओ ओ सी ओ ओ ई टी सी ओ ओ एच में चेंज हो रहा है, वैसे ही ऊपर भी चेंज हो जाएगा और इधर एच आर डैश। अब इसके बाद हम यहाँ से सी ओ टू निकाल देंगे, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सी ओ टू कैसे निकलेगा, इस एच को मैं इस तरह दिखाऊँ, तो ये वाला बॉन्ड इस साइड घूमेगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड घूमेगा, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये भी C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ से माइनस CO2 निकल जाएगा, माइनस CO2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर बचेगा आपके पास CH डबल बॉन्ड C, ऊपर की साइड C डबल बॉन्ड O OH, और इस पर आएगा माइनस चार्ज, ये वाला बॉन्ड इस साइड टूट रहा है, इस पर आएगा माइनस चार्ज और इधर सी एच आर डैश, और जो यहाँ से एच प्लस निकल रहा है वो आकर यहाँ पर इस माइनस के पास लग जाएगा, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यह हो गया आपका प्रोडक्ट आर वन सी एच सी ओ ओ एच सी सी ओ एच, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी नो इवन ईगल रिएक्शन, इसको कहते हैं नो इवन एजल रिएक्शन, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, इसका नाम आपको ऊपर दिखेगा। तो ये थी रिएक्शन, ये है इसकी मैकेनिज्म, आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक, इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, फिर उसके बाद एक दो एग्जांपल देखेंगे, हमारा ये रिएक्शन ख़त्म, हमारी ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और इसमें से एक एच को बाहर करते हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें से एक ये पूरा ग्रुप निकलता है और इसमें से एक ओ ई टी, नहीं मतलब ई टी सिर्फ निकलता है और ई टी की जगह एच आता है, यही चीज़ है। जो हमारे पास एल्डिहाइड होगा उसमें कार्बोनिल कंपाउंड से ओ निकले ऑक्सीजन निकलेगा, और जो हमारे पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होगा उससे एक एच निकलेगा, और जो हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है, एक ग्रुप में से एक एक पूरा वो निकल जाएगा, पूरा निकलेगा और इसकी जगह पर एक पूरा निकल जाएगा ये, और ये यहाँ से ई टी निकलेगा और इसकी जगह पर एच आएगा, बाद में इस डबल बॉन्ड को हम इस डबल बॉन्ड से इसे कनेक्ट कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट। अब हम इसको एक आध दो एग्जांपल में देख लेते हैं करके, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी ख़त्म। चलिए देखते हैं एग्जांपल अब, तो अब देख लेते हैं एग्जांपल हम शॉर्ट ट्रिक से, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, चलिए सबसे पहले पहला कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ,
एच, और इधर लिखा हुआ है डी ई एम। इससे पहले मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले डी ई एम क्या है, डाई एथाइल मेलोनेट। उसका स्ट्रक्चर ना देकर आपको ये दिया है, तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलिए डी ई एम का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं सी एच, और एक इसको हम दिखाते हैं क्योंकि इसको हमें निकालना है, और इधर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ ई टी, वही चीज़ इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी। ये है हमारा डेम, डाई एथाइल मेलोनेट। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को हमें निकालना है, इस एक हाइड्रोजन का यहाँ से निकालना है, और यहाँ से इस पूरे ग्रुप को निकालना है, और यहाँ से इस ई टी को निकालना है। इतना तो निकालना है, और इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन से कनेक्ट कर देना है, यानी कि ये सी एच और डबल बॉन्ड से हमारे पास ये कार्बन कनेक्ट होगा, और यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा, और इस ई टी को हमें सिर्फ एच कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे। और यहाँ पर आपका जो बेस है वो पाइपरिडिन यूज़ किया गया, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की गई है। चलिए देखते हैं सी ओ ओ एच सी, इधर क्या है इसे हमें नहीं लेने देना, जो है हम उसको ऐसे लिखेंगे, इधर सी, इसके साथ एक एच है, इस एच को हम लिख लेते हैं। अब इसके पास साथ ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कनेक्ट होगा अब इस कार्बन से, इसके पास है एक एच, इस एच को हम नीचे दिखा देते हैं यहाँ पर, और इस नीचे वाले से इस पूरे ग्रुप को हमने हटा दिया, और ऊपर की साइड हम क्या लिख रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ, और इस ई टी को हटाकर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर एच। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब दूसरा देख लेते हैं हम, ये हमारे पास एल डी आई डी ग्रुप, यहाँ से ऑक्सीजन हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से ये, और यहाँ से इसको हटा देंगे, और यहाँ से फिर इस आर को हम एच कर देंगे। चलिए कैसे करना है उसको देखते हैं, इसको पूरा पहले लिखते हैं। ये रही रिंग, और इसके पास ये रही दूसरी वाली रिंग, और ये रहा यहाँ से ये कार्बन, इस सी एच को हम ऐसे करते हैं, और डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे इस वाले कार्बन को, इस कार्बन से कनेक्ट करेंगे, और इससे एक हाइड्रोजन लगाएंगे, ये कार्बन और इससे एक हाइड्रोजन, ये रहा क्योंकि ये नीचे वाला पूरा ग्रुप हटा दिया हमने, और ऊपर की साइड क्या बचा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, एक और ओ, फिर इस आर को हटाकर हमें एच लगा देना है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, एच को हटाकर आर को हटाकर हमने एच लगा दिया। ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो ये हो गई हमारी नो इवन ईगल रिएक्शन ख़त्म। तो बस आज की इसी वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।